राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राचीन भारत का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल। आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहां कुछ लोग पहले से रहते थे। आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षग्वं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वग्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काफी समय तक आर्यों और दस्युओं का संघर्ष चलता रहा। वेदों में कहीं कहीं इसका वर्णन मिलता है। आर्यों के पास तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े थे, रथ थे और दस्युओं से बेहतर हथियार थे, और वो भी लोहे के बने। इन्हीं के बलबूते पर वे दस्युओं को हराकर आगे बढ़ते गए और आज के उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में फैल गए। ये उत्तर वैदिक काल है।
लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय था। इस काल में दस्युग घने जंगलों में सिमट गए। कुछ को आर्यों ने दास बनाकर अपने साथ रख लिया। पकड़ो सबको, कोई जाने ना बाहर। इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में। अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है। इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ अरे धृताची। हाँ भैया। तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया। अच्छा। अरे 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 देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है। नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ। अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त जी, तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं? पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियाँ टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ाइयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे। ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना। जी पिताजी। उसमें रख कर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना। ठीक है। टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था। जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है। अरे प्रवाहन। जी पिताजी। तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो। वो पिताजी। अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं। जी वो तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए। पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत? हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त? हाँ हाँ पिताजी। और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रुमर्दन को भी ले जा रहे हैं। हाँ। आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए। नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में। जी ने कल हस्तिनापुर जाना है। पर क्यों पिताजी? वहां महाराजाधिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी।
वहां रथों की दौड़ भी होगी। पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है। जी पिताजी, हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं। बहुत अच्छा। और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं। पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे। हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे। देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना। जी पिताजी। सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है। अच्छा पिताजी। सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं। अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है। हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है? आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं। अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं। चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने। और क्या, अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है। अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश। अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो। जी पिताजी। कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गाँव पहुँच जाना। जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे। और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे। भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं। हाँ। इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है। हाँ ये तो है। हाँ हाँ बड़ा आनंद आएगा। और शुरू हो गई रथों की दौड़। इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा। अरे हमने भी पूरी तैयारी की है। याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है? अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था। चलो देखते क्या होता है। सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़। अरे वो देखो वो देखो, क्या रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई। अरे क्या बांके और सजीले सवार है। वाह 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 वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ कितनी तीव्र गति से आगे निकल रहा है। वाह वाह क्या रथ चलाता है। और चढ़ाओ रथ को। अरे ये क्या, कौशल का रथ पीछे छूट गया। अरे रथ आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, देव तुम्हारा प्रसन्न है। वाह क्या घोड़े हैं। अरे वो देखो विदेह का रथ पहुंचने ही वाला है। लगता है जीत गया। वो पहुंच गया। जीत गया जीत गया। धन्य हो धन्य हो। इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है। ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में
राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे। छात्र गुरु की सेवा करते हुए पढ़ा करते थे। गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहाँ इसलिए उपस्थित हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद। मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने? कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है। भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं। अच्छा, वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे। अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है। अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे देखो कितना अच्छा घोड़ा। वाह, हाँ, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है। इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं। चलो चलो। अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं। ये पकड़ा। अरे ये कोलाहल कैसा है? छोड़ दो, छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है।
तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे। अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे। अरे रुको तो सही, अरे देखो देखो क्या आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है। हाँ, हाँ। अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे। हाँ। जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। हाँ। उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी। और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई। कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए। उत्तर वैदिक काल। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर शबनम सिन्हा, आलेख यशपाल सिंह, कलाकार मंजू मैनी, सुरेश शास्त्री, राम मैनी, सुरेंद्र सेठी, के एस पवार, कीमती आनंद, यमन कौशिक, प्रवीण शर्मा और आशीष बख्शी। संगीतकार राकेश पंडित, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और बटेलैंग लिंगडो। निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।